बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, कामयाबियाँ अता फरमाए। आज की मेरी वीडियो बड़ी अहम वीडियो है। जैसा कि आपने स्टूडेंट्स ने बीए बीएससी का जिन पेपर दिया है, बीएससी स्पेशल जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ने आज ऑनलाइन पेपर दिया है, वो बड़े ही परेशान हैं। उनको ऐसा लग रहा था जैसे पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या उनको लग रहा था कि पेपर हमारा इररेलीवेंट है, या ये बीएससी का पेपर है ही नहीं है। तो आज मैं इसके ऊपर ब्रीफली गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स, ये आपके साथ क्या हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने क्या किया है, इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। एसएल लाहौरी चैनल में आपको स्टूडेंट्स खुश आमदीद। आपने सर्चिंग में जाके एसएल लाहौरी लिखना है और सर्च करना है, आपके सामने एसएल लाहौरी का चैनल खुल जाएगा और आपने इसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन को प्रेस करना है, ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो टाइम से टाइम मिलती रहे। ये एक सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल है। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो पेपर आया था ऑनलाइन बीएससी का इंग्लिश का स्पेशली पेपर, तलबा ने सर पकड़ के बैठ गए, क्योंकि उनको पेपर वो आता ही नहीं था। वो पेपर बीए का था, उसके अंदर ऐसे भी बिल्कुल डिफिकल्ट था, उसके पैटर्न ही पूरा चेंज था। एमसीक्यूज जो भी आ रहे थे वो सारे बीए से रिलेटेड आ रहे थे और बीएससी से इररिलेवेंट पेपर था। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में बहुत परेशान थे स्टूडेंट्स से। काफ़ी स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए 70 to 80 मेजोरिटी परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये बिल्कुल पेपर नहीं था आया, और वो कन्फ्यूज़ होके उनने स्किप कर दिया था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे उनने हाफ पेपर किया, लेकिन उसके बाद जो एग्जामिनर है उसने उनको कभी डिसकनेक्ट कर दिया, कभी कुछ के साथ एरर आया 504 का, 503 का। तो जो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आज फेस किया होगा, वो देख रहे होंगे, वो स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके बताएं कि आप सबके साथ ये इशू आया है या किसी स्टूडेंट्स के साथ इशू आया है। इसमें हमने देखना है कि मेजोरिटी थी या कम लोग थे, ताकि आपकी जो कंप्लेन है, जो आपके मसाइल हैं, वो आगे यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किए जाएँ। ये एक यूनिवर्सिटी का ऑथेंटिक चैनल है, इसमें आपकी आवाज़ को उठाया जाएगा और आगे बताया जाएगा। अगर आप इस पेपर में आपको पता है एलिजिबल आप नहीं हैं, आपका पेपर में रिजल्ट नहीं अच्छा आता, तो अब आप रिटर्न एग्जाम देंगे। रिटर्न एग्जाम जल्द ही होंगे, वो दिसंबर में होंगे इंशाल्लाह। रिटर्न एग्जाम की जैसी डेट सीट आएगी मैं आपके साथ जल्द शेयर कर दूंगा। मेरे चैनल के साथ इन टच में रहें और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।